अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते की तरफ हिदायत दी। वल्लाही इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई एफर्ट नहीं है, सब अल्लाह की तौफीक से है। नाउ यू नो स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टोरी, आज रात जब मैं शाह की नमाज पढ़ रहा था ना, तो मुझे नमाज में ही एक ख्याल आया, और वो ख्याल एक बल्कि ख्वाब याद आया मुझे नमाज में। और वो मैंने ख्वाब देखा था 2008 में, जब मैं उमरे पे गया था अपनी जाहिलिया के डेज में, व्हेन आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, जब मुझे दीन का अलिफ बे नहीं पता थी, एंड आई वाज इनटू द लाइफ ऑफ सिंस। और वहाँ पे जाके एक अजीब सी लज्जत और एक अजीब सा मज़ा महसूस किया, और अपने गुनाहों से तौबा करके जब मैं वापस इस्लामाबाद आया था, आई सॉ अ ड्रीम। और वो कुछ दिन बड़े स्पिरिचुअल, आप जब उमरे से आते हैं, अल्लाह के घर से आते हैं, आप यू नो यू आर मिसिंग द काबा इन नमाज, यू आर मिसिंग दैट स्पिरिचुअल प्लेस, एंड यू आर मिसिंग योर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपके एक बड़े अच्छे दिन गुजरे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद मैं फिर दोबारा जाहिल हो गया, एंड आई टच्ड माई यू नो पीक ऑफ जाहिलिया, जिस जो मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा कि हाउ वॉज इट। तो मैंने रात को मैं सोया और मैंने ख्वाब देखा। नाउ दिस इज अ ट्रू ड्रीम, जो मुझे ख्वाब मैसेज, मतलब दिस इज मेरे साथ वाकया हुआ। लंबा ख्वाब था, मुझे बहुत कुछ भूल गया उसमें से, मुझे एक पोर्शन याद है और मुझे आज तक याद है, और मुझे बल्कि बीच में भूल भी चुका था, लेकिन मुझे आज इशा की नमाज में उसका वो याद दोबारा आया। और वो ये कि क्योंकि मैं काबा गया और मैं गुनाहों पे बहुत रोया और नदामत इख्तियार ही गया, अल्लाह मैं किस लाइफ में पढ़ चुका हूँ और मैं किन गुनाहों में पढ़ चुका हूँ, मुझे तू निकाल, मुझे तू इस्तकामत दे। तो वो ख्वाब में मैंने ये देखा कि एक मैदान है और इट्स अ डर्ट ग्राउंड, ठीक है, और कोई इट्स नॉट ग्रीन, काफ़ी बैरन है, और कुछ लोग आ रहे हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाह रहे हैं, उनको तकलीफ और कत्ल करना चाह रहे हैं, वलियाज़ बिल्ला। तो वो लोग आ रहे हैं और मेरे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने उनको देखा नहीं, वो मेरे पीछे हैं, बस मुझे सिर्फ खौफ और एंजाइटी ये थी कि ये इनको इन पे अटैक ना करें और इनको तकलीफ ना पहुंचाएं। और मेरे हाथ में कोई सोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि एक लंबी सी विप है जो कि बड़ी उसकी लेंथ है, और वो ऐसी विप है कि अगर वो मेरे करीब आ जाए तो शायद मैं उससे उनको हिट ना कर सकूं, लेकिन मैं उनको दूर रखने के लिए मैं उनको बड़े तेज तेज उनको हिट करना चाह रहा हूँ कि ये दूर ही रहे मुझसे और मैं पीछे ही रहूं, और मैं कुछ कदम पीछे भी उठा रहा हूँ कि अगर ये मेरे करीब आ गए तो शायद मैं इस विप से, क्योंकि विप के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने डिस्टेंस पे एनिमी को हिट करें, और वो बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन मुझे जहां तक याद है कुछ लोग थे जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाह रहे थे, अटैक करना चाह रहे थे, और मैं बड़ा खौफजदा था कि ये क्या हो रहा है और कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू ना जाए, और मैं उनको मार रहा हूँ, और फिर देखता हूँ मेरे वो करीब आते हैं और मैं पीछे होता हूँ और फिर उनको मारने लगता हूँ, और मैं मारता हूँ उनको, एंड आई वेक अप। अब मैं जो उठा तो मुझे एक अजीब सा ना पसीने आए हुए थे, और मैं खौफ में था कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू ना जाए। लेकिन व्हेन आई वेक अप आई रियलाइज्ड इट वाज अ ड्रीम, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई वाज प्रोटेक्टिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन आई सेड कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लम कि तुमने कौन सा दीन का काम किया कि तुम उनके दीन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड आई डिडंट सी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दिस वाज इट। और मैं भूल भी गया, और जब मैं गुनाहों की जिंदगी में पड़ गया और बहुत डीप चला गया उनके अंदर, तो मैंने कहा मुझे इस तरह का ख्वाब क्यों आएगा, मे बी इट्स यू नो ऐसी वो ख्वाब था, कोई सच ना हो। लेकिन व्हेन आई केम टू दीन, एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग दावा टू पीपल, दैट ड्रीम स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी। और वल्लाहु तआला आलम उस ड्रीम का क्या इंटरप्रिटेशन है, मैंने आज तक किसी से पूछी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस ड्रीम विद एनीवन, कि मैंने ये जिंदगी में ख्वाब देखा, वल्लाह उससे क्या ड्रीम है, लेकिन दिस ड्रीम हैड एन इम्पैक्ट इन माई लाइफ, जिसका मैं कनेक्शन बाद में आपको बताऊंगा कि वो कनेक्शन कैसे हुआ।